नमस्कार, आप देख रहे हैं कमर्शियल राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और जब तक देश में चना दाल के दाम कम नहीं हो जाते, तब तक पीली मटर की इंपोर्ट ड्यूटी सरकार नहीं बढ़ाएगी। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा कि देश में दालों के होलसेल दाम 8 से 10% तक गिर गए हैं। मोजाम्बिक से भी 1400 कंटेनर तुअर जल्द ही भारत पहुंच जाएगा। उसे कैसे देखती है इंडस्ट्री, बताने के लिए आज हमारे साथ हैं इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी और एग्री फार्मर ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा। लेकिन आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे ने दलहन पर हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। मुख्य रूप से जो पीली मटर थी उसके अराइवल्स के लिए, उसको सुगम बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि चने की दाल में जो तेजी आ रही थी उसमें इसको एक तरह से स्टेबल करने के लिए। अभी भी चने का जो दाल के मूल्य हैं ये स्थिर हैं, लेकिन बहुत ही हाई मूल्य पर हैं। जैसे ही हम इस पर एक निगरानी रख रहे हैं, इनमें गिरावट होने से ही हम लोग कुछ जो भी कदम उठाएंगे वो जरूर करेंगे। फेस्टिवल सीजन्स को ध्यान में रखते हुए, और जो कि काफी आपने भी कहा कि वर्चुअली सितंबर ऑनवर्ड्स और ऑलमोस्ट अप टू दिसंबर या नवंबर अंत तक ये रहता है, इसमें खास तौर पर अधिक डिमांड होती है, और इसमें इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम हर तरह के कदम उठा रहे हैं, जिसमें कि हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि अगर ग्लोबल मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है तो वो दालें भी हमारे यहाँ सुगमतापूर्वक इम्पोर्ट की जा सकें। इसमें मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल में ही किस प्रकार से मिनिस्ट्री के द्वारा इंटरवीन करने से मोजाम्बिक से भी हमारे करीब 1400 कंटेनर भारत पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं, और अन्य जो इसकी खेप है वो भी आ रही है। तो हर तरह से उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ताकि फेस्टिवल सीजन्स में जो मूल्य स्थिरता है वो बनी रहे। ऑल राइट, वो निधि खरे ने एक्सक्लूसिव बातचीत में हमसे सीएनबीसी आवाज पर कहा कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है और हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी ये इंश्योर करने की कि एक तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी है और अफोर्डेबल प्राइसेस पर भी है, और तब तक यहाँ पर जो भी कर्ब्स या रिस्ट्रिक्शन सरकार की तरफ से लगे हैं उन्हें एज ऑफ नाउ नहीं छुआ जाएगा। विमल जी नमस्कार, और एक एक करके वो पॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले तो चने की ही बात कर लेते हैं, जहाँ पर कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी ने कहा कि चने के भाव जब तक ऊपर रहेंगे तब तक पीली मटर के जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। एज ऑफ नाउ चने की किस तरह की अवेलेबिलिटी आप यहां पर देखते हैं, और कैसे आपको लगता है कि आगे जाके प्राइसेस रह सकते हैं? बिमल कोठारी जी, ये सवाल आपसे है। सॉरी, मैं आपके सुन नहीं पाया। थैंक यू मनीषा जी, आपने आमंत्रित किया। मैंने सेक्रेटरी मैडम का स्टेटमेंट सुना, और देखिए ऐसा है जो चने की अवेलेबिलिटी है इस साल हम देख रहे हैं शुरू से कुछ उस पर कमी रही है। जो सरकार ने जो उत्पादन के आंकड़े दिए से ग्राउंड रियलिटी पे हम देख रहे हैं कम है, इसलिए चने के प्राइसेज जो हैं एमएसपी से कुछ बढ़े हुए हैं। और लेकिन अब लास्ट अगर आप 1-1.5 महीने से देखें, सरकार ने इस पर कुछ कदम उठाए हैं, उन्होंने स्टॉक लिमिट भी लगाया है, तो और उन्होंने इम्पोर्ट भी सारा खोल रखा है। इनफैक्ट हमने काबुली चने पर ड्यूटी हटाने के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट किया है, ताकि जो जो चने के जो सब्स्टिट्यूट काबुली हैं, जो छोटा काबुली है जो रसिया से आ सकता है या दूसरे देशों से आ सकता है, उस पर भी हमने कहा ड्यूटी हटाएं, तो क्या है कि वो फेस्टिवल सीजन में उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। तो ये तो एक सच्चाई है कि चने की इस बार कमी है, लेकिन दाम भी अब स्थिर हो गए हैं। दामों में कोई ज़्यादा वृद्धि लगती नहीं है, थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि देखिए इस बार हमारे यहाँ मानसून बहुत अच्छा रहा है, और जो दालों की बुआई है खासकर तुअर और मूंग की, वो बुआई बहुत अच्छी है। खास तुअर की तो बहुत ही अच्छी बुआई है, उड़द की लगभग पिछले साल से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि लगभग जो हमारे यहाँ जो खरीफ की क्रॉप है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसके सेंटिमेंट से जो है जो मार्केट जो सारे आज एक महीने में कम से कम काफ़ी दालों में मंदी आ चुकी है। तुअर के भाव है अगर आप देखें ऊपर के भाव में कम से कम 15 रुपये किलो की बहुत बड़ी मंदी आ गई है। 15 रुपये किलो काफ़ी होता है, तो 15 रुपये किलो की
तक भाव नीचे आ गए हैं तुअर के। और तुअर की डिमांड भी मैं बताता हूँ कि चूंकि हमारे यहाँ देश में क्या है कि जब कोई भी चीज़ बहुत महंगी हो जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तुअर की अभी डिमांड भी इतनी कम है जबकि भाव 15 रुपये किलो घट गए हैं, लेकिन फिर भी डिमांड बहुत कम है। और अब अफ्रीका से तुअर की जो अवेलेबिलिटी है वो जैसे मैडम ने भी बताया कि 1400 कंटेनर वहाँ से शिपमेंट हो चुके हैं, तो वहाँ से भी अब वहाँ भी इस बार अच्छी क्रॉप है। और अब मेरा अनुमान है कि लगभग 7 से 8 लाख टन फेस्टिवल पीरियड में वहाँ से हमारे यहाँ इम्पोर्ट होगा। तुअर की क्रॉप भी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि ये अवेलेबिलिटी अब बनी रहेगी। जहाँ तक येलो पीस की जो ड्यूटी की जो बात है, हमने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया है कि ये हमारे यहाँ जो मटर के भाव काफ़ी कम हो चुके हैं, होलसेल मार्केट में उसके जो प्राइस है अभी 35-36 रुपीज है। और हमारे यहाँ जो नई क्रॉप की जो बुआई होगी चने की और मटर की, वो लगभग अक्टूबर नवंबर में होगी। तो अगर हमारे यहाँ इतने नीचे भाव कम रहेंगे तो इसमें किसान को वो काफ़ी उनको सोचना पड़ेगा कि वो उस पे वो मटर को वो यहाँ पे ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। चने की प्रोडक्शन है उसमें भी उसमें बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए हमने इस कदम को इस सिचुएशन को देखते हुए हमने सरकार को सुझाव दिया है कि आप इस पे आप इम्पोर्ट जारी रखें ताकि अवेलेबिलिटी बनी रहे, लेकिन आप एक ड्यूटी लगा दें ताकि जो है हमारा जो लैंडिंग कॉस्ट है वो MSP के आसपास या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे। तो उससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, उसमें कंज्यूमर का भी नुकसान नहीं होगा और किसानों को भी नुकसान नहीं होगा। किसानों को भी एक मैसेज मिलेगा कि भाई आप दालों को ग्रो करिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भाव कम हो गए तो फिर किसानों को इसमें जो उत्पादन है उसको करने में उनको कई बार वो उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वो दूसरी कोर्स में क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करेंगे। इसलिए हमारा हमने सुझाव सरकार को सुझाव दिया है कि आप ये आप मटर पे आप ड्यूटी लगाए। ये हर तरह से जितने भी स्टेक होल्डर्स है, इसमें कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है, फार्मर के लिए भी अच्छा है, ट्रेड के लिए भी अच्छा है और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। गवर्नमेंट अगर ड्यूटी लगा देंगे, साल में 10,000 करोड़ का अगर इंपोर्ट होता है तो 5,000 करोड़ रुपया उनको रेवेन्यू मिलेगा, जिसको वो इसी को वो पल्सेस की जो क्रॉप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उस फंड्स का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का सुझाव दिया है और हमारी तरफ से ही नहीं पूरे अक्रॉस द इंडस्ट्री ये डिमांड है। तो मैं समझता हूँ देर सवेर इस पे जरूर सरकार एक डिसीजन लेगी। ऑल राइट जी हाँ, देर सवेर वो चीज़ हो सकती है, लेकिन आज तो काफ़ी क्लियरली निधि करेने जी ने हमें बताया कि येलो पीस पे एज ऑफ नाउ कोई ड्यूटी लगाने की बात नहीं है जब तक चने के भाव नीचे नहीं आते। और कोठारी जी, मैंने उनसे काबुली चना के बारे में भी पूछा था, उन्होंने यहाँ पर भी कहा कि छोटी फसल है, एज ऑफ नाउ कोई यहाँ पर ड्यूटी लगाने की बात वहाँ पर भी उन्होंने टोटली इसको नकार दिया है। पर जी हाँ, 8 से 10% गिरावट होलसेल के प्राइसेज में दालों में ज़रूर देखने को मिली है। और काफी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि जब तक फेस्टिवल सीजन है जो कि सितंबर से शुरू होकर दिसंबर तक होगा, तो वो इंश्योर करेगी उनकी मिनिस्ट्री की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये दोनों ही चीजें पिलर्स यहां पर काफी स्ट्रांगली वो देख रही हैं। सुनील बलदेवा जी, आपकी क्या सेंस है, क्योंकि काफी क्लैरिटी यहां पर आ जाती हुई नजर आई, जैसे निधि खरे हमसे बात कर रही थी कि जब तक दालों के प्राइसेस हायर हैं तब तक कुछ भी छेड़छाड़ वो करने के मूड में नहीं है। सुनील बलदेवा जी, आपको आवाज आ रही है? ओके, सुनील बलदेवा जी से यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक होता हुआ नजर आया है, लेकिन उनके पास भी जाएंगे उनके सेंस के लिए। बिमल कोठारी जी, एक और चीज़, जैसे आपने भी यहाँ पर कहा कि अफ्रीकन कंट्री से अब यहाँ पर माल आना शुरू हो गया है, पिछले 1-1.5 साल में यहाँ पर भी लगातार चिंताएं बनी हुई थी। 1400 कंटेनर्स ऑलरेडी पहुँचने वाले हैं, 400 और वहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दिक्कतें यहाँ पर रही हैं, जो एंटी इंडिया या रैनसम वर्सेज माल नहीं निकलेगा, निधि खरे ने काफ़ी क्लियरली उस पर भी बात की कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स सभी इसकी तरफ यहाँ पर नजर रखे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अब इसको यहां पर पुश कर रही है। आपको लगता है ये मसला अब यहां पर सॉल्व होता हुआ नजर आया है? मुझे मनीषा जी, मुझे लगता है ये काफी हद तक ये मसला ये सॉल्व हो चुका है, इसीलिए वहां से जो कार्गो है वहां से शिपमेंट हो रहा है। लेकिन मैं अभी इस पे 100% नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह सॉल्व हो चुका है, लेकिन कुछ हद तक ये काफी सॉल्व हो चुका है, इसलिए वहां से जो एक्सपोर्ट है वो शुरू हो गया है। इसके अलावा तंजानिया से और मलावी से भी माल अभी अब आना शुरू हो जाएगा, तो मैं अगस्त में शिपमेंट्स वहां शुरू हो जाएंगे। हम देखेंगे कि सितंबर में यहाँ पे जो हमारा फेस्टिवल पीरियड, जब सितंबर में हमारे फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं उसमें जो अफ्रीकन तुअर है उसका इम्पोर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको बताऊं कि हमारे यहाँ अभी तक तो कोई खास अभी तक अराइवल्स नहीं हुई है, लेकिन ऑलरेडी हमारे जो क्रॉप्स के सेंटिमेंट्स है उसकी, देखिए ये कॉमोडिटी जो बिजनेस है ये बहुत सेंटिमेंट्स पे इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसमें ऑलरेडी 15 रुपये के दाम ऊपर के भाव में कम आ गए हैं और इसमें अभी भी 15 रुपये के भाव कम होने के बावजूद भी
डिमांड उतनी खास नहीं है बाजार में। अगर हम देखें कि कैसी डिमांड आ रही है, बहुत कम डिमांड है तुअर की। तो ये क्योंकि हमारे हमारा देश क्या एक प्राइस इलास्टिक मार्केट है, यहाँ जो चीज सस्ती होती है वो सबसे ज्यादा बिकती है। मटर 35 रुपया है, तो मटर का ऐसा है कि जो ब्लेंडिंग है वो हर चीज में ब्लेंडिंग होने लग गई है। वो चने की जगह रिप्लेस हो रही है, वो तुअर की जगह भी कई जगह रिप्लेस हो रही है। तो इसलिए इसकी खपत भी हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो येलो पीस की, जो मैं ड्यूटी की बात एक बार फिर से कह रहा हूँ, जी येलो चूंकि ड्यूटी हटा दी गई है तो, और वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में अब हमारे यहाँ वहाँ जुलाई से वहाँ नए नए हर जितने भी ऑरिजिन है वहाँ नए क्रॉप स्टार्ट हो गए हैं। रशिया है, कनाडा है, यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, यूक्रेन है। कम से कम 10 मिलियन टन माल वहाँ अवेलेबल है। और वो माल सबसे पहले उसको जो ऑफर होता है इंडिया को होता है, क्योंकि इंडिया जो इसको है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज करता है। जी तो इसलिए अब क्या हमें डर है कि ऑलरेडी जो 2 मिलियन टन माल आया है उसमें 1 मिलियन टन माल खपा, आज भी 1 मिलियन टन माल हिंदुस्तान के अलग अलग पोर्ट से पड़ा हुआ है। और अगर ये और इस और धीरे धीरे वहां बाजार और भी कम हो रहे हैं। जो भाव आज से 6 महीने पहले 470-80 के थे वो 380 के हो चुके हैं, और मेरा अनुमान है कि ये भाव 340-50 हो जाएंगे डॉलर में, डॉलर की बात कर रहा हूँ। जी तो अगर अगर ये 340-50 डॉलर हो जाएंगे तो हमारे यहाँ जो उसकी लैंडिंग कॉस्ट है वो 32-33 रुपीज होगी। तो अगर 32-33 रुपीज होगी तो हमारे किसानों को वो बहुत बड़ा नुकसान नुकसान होगा, वाला बहुत सिनारियो बड़ा हो नुकसान जाएगा। होगा। इसीलिए इस पे एक लॉन्ग टर्म विजन लेने की जरूरत है, इसमें एक विजन एक डिसीजन लेने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता है कि अगर ड्यूटी लगाने से इस पे जरूर कुछ दाम बढ़ेंगे, लेकिन उससे कोई इन्फ्लेशन पे, क्योंकि वो स्टील वो जो प्राइसेस है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम रहेंगे, तो उससे किसान उससे हमारे जो कंज्यूमर्स है वो भी अफेक्टेड नहीं होंगे और किसानों को भी उससे लाभ मिलेगा। एब्सोल्युटली, तो एक विन विन सिचुएशन यहाँ पर रह सकती है, लेकिन वो कब होगा? जैसे आपने पहले भी कहा कि वो देर सवेर सरकार को कर देना चाहिए। सुनील बलदेवा जी, आपकी क्या सेंस है, चाहे वो चना है, पीली मटर के इम्पोर्ट्स हैं जो कि एज ऑफ नाउ ड्यूटी फ्री रखने की बात की गई है, और दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ऑफकोर्स मोजाम्बिक से आते हुए जो हमारे शिप्स हैं। जी मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने हर क्षेत्र में, जब कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी का आप इंटरव्यू ले रही थी, हर क्षेत्र को छुआ और हर चीज जो किसी इंडस्ट्री या किसान या कंज्यूमर के मन में थी उस क्वेश्चन को आपने उनकी तरफ से आपने पूछा और उसका आंसर लिया। जहां तक मटर की बात है, हमें ये लगता है कि शायद हम सरकार को समझा नहीं पाए हैं मटर में। मैं फिर आपको कहूंगा, जब हमने दिसंबर में मटर के खोले थे तो मटर के भाव इंटरनेशनल मार्केट में $350 था और इंडिया के खोलते ही $500 तक पहुंच गया। आज भी मटर, जबकि नई फसल आई है, वहां पे $400 है जो डिफरेंस है। जो विमल जी भी बता रहे थे, जो $50 का डिफरेंस है वो हम बाहर के देशों को दे रहे हैं। यदि हम ड्यूटी लगा लें तो वो जो फंड है वो हमारे पास आ सकता है, हमारे सरकार के पास आ सकता है, हमारे इंडिया में आ सकता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब सेक्रेटरी मैडम ने ये कहा कि हम चने के भाव को स्थिर रखने के लिए मटर का इंपोर्ट खोला, ठीक है, ये बात कई कुछ हद तक ठीक हो सकती है। और मैंने भी कहा है कि 5-7 लाख टन जो है वो स्विच हो जाती है, जो चने की खपत है वो मटर की तरफ हो गई है। लेकिन फिर भी हम आज आवश्यकता से ज्यादा मटर लेके बैठे हुए हैं। आज हमारे पास 10 लाख टन मटर हमारे पास कोटों में विभिन्न क्षेत्रों में पड़ी है। यदि चने को मटर 100% इफेक्ट करती तो दिसंबर में मटर के भाव 65 रुपए थे, चने के भाव करीबन 60 रुपए थे, लेकिन आज चने के भाव 70 है और मटर के भाव 36 रुपए हैं। तो यदि ये डिफरेंस नहीं आता, यदि मटर यदि चने के भाव को कम करती तो ये, फिर भी हमने देखा कि चने के भाव बढ़े हैं। तो मैं दो चीजों को आपको दो चीजों की तरफ दोबारा लेने जाना चाहूंगा। हमें मटर पे दोबारा सोचना चाहिए और मटर पे हमें इंपोर्ट ड्यूटी लगाने चाहिए, न कि हमें बंद करना चाहिए बल्कि इंपोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए, ताकि हमारे सरकार का खजाना बढ़े, हमारे किसानों को ऐसे अट्रैक्टिव भाव दिखाई दे ताकि वो अक्टूबर नवंबर में उसकी बिजाई करे। नहीं तो हमें अगले साल फिर 20 लाख टन मटर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत के किसान 36-37 के भाव में मटर नहीं बोएंगे, 36-37 भी नहीं बल्कि $340-350 यदि हो जाता है तो हमारी 32 रुपये कॉस्टिंग पड़ेगी, जो कि 32 रुपये की वो मटर नहीं बोएंगे, वो दूसरी चीजों की तरफ चले जाएंगे। तो हमें अगले साल बड़ा भयानक हो जाएगा। जो हमने 2017 से 2022 तक जो हमने मेहनत करी थी वो मेहनत हमारी सारी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो मैं फिर आपके चैनल के द्वारा भी आग्रह करूंगा और हम दोबारा भी रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने जैसा कहा, शायद हम उनको ढंग से समझा नहीं पाए हैं, हम उनको समझाएंगे और बताएंगे कि ये कितना और किस लिए जरूरी है।
पॉइंट टेकन, यानी आप दोनों ही एक ही स्वर में बात कर रहे हैं बिमल जी और सुनील जी कि यहाँ पर शायद ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए। और आज तो निधि खरे ने बहुत क्लियरली बोला कि एज ऑफ नाउ वो उसको हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे आप दोनों ने ही कहा कि एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर फिर की जानी चाहिए, वो सरकार के हित में भी होगी, वो इंडस्ट्री के हित में भी होगी और फार्मर के हित में भी होगी। तो ऑफकोर्स देखना होगा कि आगे जाकर हम यहाँ पर किस तरह का एक इम्पैक्ट यहाँ पर सरकार के साथ डाल पाते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही रिएक्ट करने के लिए जो निधि खरे बोली हैं और उसके क्या मतलब निकलते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री और इंडियन मार्केट्स के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकना होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की उठापटक है उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में कमोडिटीज पर भी देखने को मिला है। आप कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज ये बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ एंजल वन के प्रथमेश माला है। प्रथमेश, बहुत बहुत मुश्किल दिन जिस तरह से ये शुरू हुआ और जिस तरह से अभी भी चल रहा है, यूएस मार्केट्स खुलने को हैं और कमोडिटी मार्केट्स उसके साथ यहाँ पर मूव करेंगे, लेकिन इसके साथ अगर आप क्रूड देखें या मेटल्स या सोना चांदी, आपकी टॉप पिक स्पेस में कहाँ है? थिंक क्लियर है मनीषा, सारे रिस्की एसेट्स और सेफ हेवंस दोनों ही ड्रास्टिक फॉल वाले मोड में है, तो यहाँ पे सब काउंटर में सेल की सलाह रहेगी, बाय करना ही नहीं है कोई भी काउंटर में। स्पेसिफिकली आप सिल्वर में सेल कर सकते हैं 80,960 पे सेप्टेम्बर वायदा, 81,800 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 79,700 के लेंगे। सिमिलरली कॉपर में भी सेल करने की सलाह रहेगी 785 पर, अगस्त वायदा ये है, स्टॉप लॉस 790 का रहेगा, टारगेट 776 के लेंगे। 3% की गिरावट वहां पर कॉपर और चांदी में आती हुई, लेकिन क्रूड ऑयल प्राइसेस को आप यहां पर कैसे देखते हैं क्योंकि जो $10-12 की गिरावट कच्चे तेल में पिछले 15 दिन में देखने को मिली है, क्या वो थमेगी या यहां से, और आपको लगता है 70 का लेवल हम टूटता हुआ देखेंगे WTI में? मनीषा, यहाँ पे एक्चुअली सप्लाई साइड से इश्यूज होने की पॉसिबिलिटी है, एस्केलेशन ऑफ रिस्क है मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट और प्लस स्लो डाउन और प्लस ग्लोबल रिस्क एवर्जन है, सो ओवरऑल जो है मिक्स सिग्नल्स है, बट फिलहाल काफी अच्छा करेक्शन हो गया है, एक स्टेबल जोन पे है, तो अगर ट्रेड लेना है तो मैं एक बार रिस्क लेके यहाँ पे 5,980 के करीब अगस्त फायदा बाय करने की सलाह दूंगा, 5,870 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 6,200 के लिए। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर कच्चे तेल में है, लेकिन जहाँ तक मेटल्स की और चांदी की बात है अभी भी एक विकवाली वहाँ पर जारी रह सकती है। प्रथमेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार। Go palm